अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यूर वेल एट यू होम टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर फोर मेटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने लास्ट क्लास में इसकी जो वीडियो देखी थी वो क्वेश्चन आंसर्स आपके फर्स्ट टू फोर्थ थे और आज जो क्वेश्चन आंसर्स हम समझेंगे वो है हमारे फिफ्थ टू एट नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल डिस्टिंगज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिनमें आपको यहाँ पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ गिवन है उसके बेस पे आपको मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है वो बताना है फर्स्ट है आपका एपियरेंस वो कैसे प्रेजेंस होता है कैसे उसकी मौजूदगी होती है तो मेटल्स का क्या होता है उनमें मेटल क्लस्चर होती है यानी उनमें चमक होती है बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं उनमें चमक नहीं होती सेकेंड प्रॉपर्टी है इनकी हार्डनेस यानी हार्ड या सॉफ्ट के बेस पे तो मेटल्स एज यूजल हार्ड होते हैं एंड नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं मेलिएबलिटी मेटल्स आर मेलिएबल नॉन मेटल्स आर नॉन मेलियेबल ये हम पहले के क्लासेस में वीडियो में देख चुके हैं नेक्स्ट वन इज़ डक्टिलिटी डक्टिलिटी में हमने पढ़ा था मेटल्स क्या होते हैं डक्टाइल होते हैं एंड नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हीट कंडक्शन कंडक्शन मीन्स जो अलाउ करता है हीट को उसके थ्रू होकर जाने के लिए तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर यानी ये प्रॉपरली अलाउ नहीं करता नेक्स्ट वन इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में भी जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं गुड होते हैं बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं यानी उनको वो ईजिली थ्रू नहीं जाने देते क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं उसके क्या रीजंस हैं क्या कारण है वो आपको जस्टिफाई करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ फूड को रैप करने में फूड आइटम को रैप करने में क्यों करते हैं आप सभी के घर में जब लंच पैक होता होगा तो मोस्ट ऑफ घरों में क्या होता है एल्यूमिनियम फॉयल ही यूज़ किया जाता है तो क्यों होता है सबसे पहले जब आप इसका आंसर करेंगे तो इसकी जो कंप्लीट आंसर है वो तभी वैलिड होंगे जब इसकी आप कंप्लीट स्टेटमेंट को प्रॉपरली राइट करेंगे अगर आप डायरेक्टली बिकॉज से राइट करते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा इसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे तो जैसे जैसे मैंने राइट किया है ऐसे ही आपको कंप्लीट आंसर भी राइट करने हैं अब इसको समझ लीजिए एल्यूमिनियम फॉयल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज इट इज़ हाईली मेलिएबल सॉफ्ट एंड नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम्स क्यों होता है ऐसा क्योंकि ये क्या होता है हाइली मेलियेबल होता है यानी इसकी शेप इजीली चेंज हो सकती है इसको थिन शीट्स में बीट किया जा सकता है और ये सॉफ्ट भी होता है और फूड के साथ रिएक्ट भी नहीं करता जिससे आपका खाना भी क्या होता है वो सेफ रहता है सेकेंड है आपका इमरसन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटलिक सब्सटेंस जो लिक्विड को हीट करता है वो इमरसन रॉड जो होती है वो मेटलिक सब्सटेंस की क्यों बनी होती है क्या कारण होते हैं तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास थ्रू होने देते हैं तो यही आपका आंसर भी होगा इमर्सन रॉड्स आर मेड अप ऑफ मेटलिक सब्सटेंस बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि जब वो पास होंगे तभी तो वो उसको हीट देंगे गर्म करेंगे सी कॉपर कांड डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसके सॉल्ट सोल्यूशन से ऐसा क्यों होता है क्योंकि कॉपर जो होता है वो जिंक से लेस रिएक्टिव यानी कम रिएक्टिव होता है नेक्स्ट वन इज सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं अगर उनको ओपनली एयर के साथ छोड़ दिया गया तो वो गैस के साथ मिलकर तुरंत रिएक्शन शो कर देंगे दैट्स वाई कि हम इन्हें कॉपर के साथ सॉरी कैरोसिन में रखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल एक्सप्लेन क्या आप लेमन पिकल को नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हो अगर हाँ तो भी आपको एक्सप्लेन करना है और अगर आपका आंसर ना है तो भी आपको एक्सप्लेन करना है सो आंसर विल बी नो वी कांट स्टोर द लेमन पिकल इन एल्युमिनियम यूटेंसिल बिकॉज वेन एल्युमिनियम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद लेमन रिएक्ट एंड गिव हाइड्रोजन विच मे स्पॉयल द पिकल ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है जब वो लेमन पिकल के कॉन्टैक्ट में आएगा तो लेमन में क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है एसिड होता है और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फॉर्म करता है जिससे जो वो पिकल है वो सारा स्पॉयल हो जाएगा खराब हो जाएगा देन क्वेश्चन नंबर एट इज मैचअप्स आपको मेटल्स गिवन है एंड उसके यूजेस के लिए गिवन है कुछ आइटम्स गिवन है वो आपको मैच करना है वेरी सिंपल गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी के काम में आती है आयरन मशीनरी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम रैपिंग फूड कार्बन फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है कॉपर इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर में काम आते हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर फाइव टू एट की एक्सप्लेनेशन है वॉज द वीडियो एंड डू ऑल द गिवन वर्क एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल और मैसेज मी ऑन योर गिवन टाइम हैव अ नाइस डे Thank you.